गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम वंस अगेन टू डॉक्टर दिया मशरूम फार्म। ये कंपोस्ट तैयार हो रहा है, सुबह सुबह ठंड हो रही है, यहाँ पे मिक्सिंग चल रही है अभी कंपोस्ट की। ये देखिए, ये यहाँ मैंने अपनी छोटी सी क्यारी बना रखी है, पौधे सारे के सारे आ गए। ये रूम अभी फिल करना है, रूम अभी फिल नहीं करें कोई सा भी रूम, क्योंकि कंपोस्ट जो बनाया था वो किसी ने ले लिया था। तो ये अब मेरा कंपोस्ट बन रहा है, एक टनल में है और एक ये मिक्सिंग चल रही है, तो दो कंपोस्ट हैं अभी ये। उसके बाद फिर किसी और के हैं वो बनेंगे। मेरी जो है ये सरसों की तूड़ी का जो है वो कंपोस्ट बनाते हैं हम। तो मेरे से पीछे भी किसी ने पूछा था कि सरसों की तूड़ी में मतलब कितनी क्या यील्ड आ जाती है। देखो मेरी तो अब तक मैंने जो सरसों की तूड़ी का इस पूरे साल जो है चार साइकिल मेरी सरसों की तूड़ी की निकली है, चारों की चारों साइकिल्स में जो है सरसों की तूड़ी का ही कंपोस्ट था और टचवुड अच्छा था, मतलब 18% तो सब में लगभग आ ही गई थी जो है प्रोडक्शन। एक दो बारी बी ग्रेड हुआ था हमारे एक साइकिल में, काफ़ी एक दो टन मशरूम बी ग्रेड हो गया था, वो कटिंग नहीं हो पाई थी या कोई दिक्कत थी या जो भी था, लेकिन वैसे इतनी दिक्कत नहीं रही है इसमें कभी भी कि मशरूम ही नहीं आई। और जिनको हमने अभी तक कंपोस्ट दिया है उनके एक एक दो दो बैच सबके निकल गए हैं, इवन जो सीजनल वाले भी हैं उनको भी दिया है तो उनकी भी दो दो फ्लश जा चुके हैं। तो सबका यही है कि अच्छी यील्ड आई है, मतलब सबकी, सीजनल वालों की तो इवन और भी अच्छी, वो बता रहे हैं कि अभी काफ़ी और प्रोडक्टिव है कंपोस्ट, तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ में कोई दिक्कत रह गई हो, आप लोग चिकन मैन्योर या कोई जो सब्सट्रेट और ऐड करते हैं हम मिक्सिंग मटेरियल, तो आप उसको थोड़ा सा चेंज करके देख लो। क्योंकि कोई फार्म पे आए थे पीछे तो उन्होंने बोला था कि उन्होंने सरसों की तूड़ी यूज़ करी थी और उनका कुछ भी नहीं आया, मतलब मशरूम, पता नहीं मुझे अब डर लगता है ये बात सोच के भी कि कहते हैं कि एक भी मशरूम नहीं आई पूरे कमरे में, बड़ा ही वैसे अजीब सी बात है ये। आ तो जानी चाहिए, मशरूम तो फंगस है, वो तो मतलब आप मना भी करोगे ना तो भी आ जाता है वो। हम जब लैब में काम करते थे तो फंगस ऐसी चीज़ थी, हर चीज़ को कंटैमिनेट करते हैं, यानी कि हर चीज़ में आ ही जाती हैं। और इसको तो हम चाह रहे हैं, इतना पैम्पर कर रहे हैं कि मशरूम आए आए, उसको स्पॉन भी दे रहे हैं, उसको न्यूट्रिशन भी दे रहे हैं, तो ऐसी बात तो नहीं कि नहीं आती, आ जाती हैं। हाँ उतनी यील्ड नहीं आती जो एक अच्छा ग्रोअर जो है वो ले पाता, उतनी यील्ड हो सकता है नहीं ले पाए, लेकिन आ तो जाती है कि बैग में एक भी मशरूम नहीं आई, पूरा कमरा ऐसे ही थ्रो करना पड़ा है, 200 किलो आई या 300 किलो आई या बिल्कुल ही नहीं आई, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। लेकिन जो भी है सरसों की तूड़ी में मेरे रिजल्ट अच्छे आए हैं, मतलब अब तक तो अच्छे ही आए हैं, तो ऐसी कोई कंप्लेन वाली बात है नहीं। फिर भी अगर कुछ और जो है, अगर आपको लगता है कुछ सरसों की तूड़ी से ही कोई बना रहा है और कुछ आपको लग रहा है कि इसमें कोई ट्रिक है या इसमें कोई और बेटर है, तो आप शेयर कर सकते हैं मुझे भी या बाकी और भी जो चैनल देखते हैं उनको कुछ फ़ायदा हो। तो आप आपस में जो है ये काम हो चाहे कोई भी काम हो, अगर आप किसी भी स्टेज पर हो, लर्निंग स्टेज पर हो या आप अभी एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो आपको अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, तभी लोगों को पता चलेगा, तभी सजेशंस हमारे एक दूसरे के साथ जो एक्सचेंज हो पाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी इस फील्ड में हो या कोई भी फील्ड में अपनी एक्सपर्टीज़ जो है वो शेयर नहीं करना चाहता। मेरे पास तो ऐसी कोई एक्सपर्टीज़ है नहीं, कोई ट्रिक है नहीं, लेकिन जो एक नॉर्मल मेथड है उसी मेथड से हम बनाते हैं और वो टच वुड ठीक ही बन जाता है, ऐसी कोई दिक्कत कभी आई नहीं है। ये 14 टन का मेरा कंपोस्ट है, मिक्सिंग JCV से ही करवानी पड़ती है क्योंकि लोडर में टाइम भी लग रहा है और ऊपर से जो है इससे बेटर हो पाता है, इसका जो बकेट है वो थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि वैसे तो काम के लिए लोडर है मेरे पास, वैसे काम के लोडर भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है मिक्सिंग अच्छी हो जाए, 2-4 हज़ार का मतलब लालच नहीं करना चाहिए इतने बड़े काम के लिए, तो हम JCV से ही मिक्सिंग करवा लेते हैं। अब इसे सुबह लगी है JCV और शाम को 8 बजे तक आज मिक्सिंग ही चलेगी। हर बारी मतलब हम हर बारी जब भी कंपोस्ट बनाते हैं, मतलब एक जैसे लॉट निकलता है, तो हर लॉट में जो है कंपोस्ट और भी बेटर बेटर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आप लोग भी प्लीज़ सजेस्ट कीजिए, अपने आइडिया शेयर कीजिए, शेयरिंग से किसी का कोई नुकसान नहीं होता, आप जिस स्टेज पर हों या आपको जो मिल रहा है वो कोई नहीं ले सकता आपसे, तो आपका कभी किसी के पास नहीं जाएगा ये सोचें कि मैं बता दिया तो वो कर लेगा तो वो भी ले लेगा, उसमें क्या दिक्कत है। तो मैं तो आपको दिखा ही रही हूँ, हर बारी मिक्सिंग की वीडियो बनाती हूँ कि जो ऐसे नहीं कर रहे तो ऐसे करके देखिए,
क्योंकि जितना भी मटेरियल है आपका पूरा टर्न हो जाता है। अब देखो वहाँ से जो वहाँ वेटिंग हो रही है, 4 दिन से वेटिंग चल रही है मेरे इस कंपोस्ट की, आप देख रहे पा रहे होंगे बिल्कुल ऐसा कलर हो चुका है कंपोस्ट का, बिल्कुल भीग चुका है। फिर भी एक जो लेबर है पूरा सारा दिन तक इसको फिर वेटिंग करती रहेगी, कहीं से कुछ ना रहे। सूखे कंपोस्ट में कभी भी जो है अछील्ड नहीं आती है, तो इसलिए वेटिंग का बहुत ध्यान रखना है। तो अब ये मिक्सिंग होने के बाद जो है चिकन मैन्योर आया हुआ है, चिकन मैन्योर इसमें डाल के मिक्स करा जाएगा और मटेरियल मिक्स करा जाएगा। इसकी ढेरी वहीं वापस जाएगी जहाँ से ये आ रहा है आज रात को, कल फिर इसकी ढेरी यहीं आएगी। अब हम 2 दिन लगाने लगे मिक्सिंग में, क्योंकि हमने देखा कि मिक्सिंग के लिए जैसे लोग मशीनें रख रहे हैं वो उनका यही बेनिफिट है, क्योंकि वो अच्छे से टर्न हो जाता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो वो मशीन तो अभी नहीं ले पाएंगे, वो काफ़ी कॉस्टली है और अभी वो बजट है भी नहीं, और उसकी कोई रिक्वायरमेंट है भी नहीं। और रोज़ की रोज़ मिक्सिंग हो तब बेटर है, वो हफ्ते में 1 या 2 दिन मिक्सिंग है तो, 1 दिन मिक्सिंग है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है लेने का। मेरी तो हफ्ते में 1 ही मिक्सिंग होती है। तो लेकिन ये होता है कि इसमें हम 2 दिन लगाते हैं अच्छे से इसको टर्न करके और मिक्स करते हैं मटेरियल को, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। पहली बारी जब कंपोस्ट बनाया था तो वहीं वेटिंग एरिया में ही उसी दिन 3-4 घंटे में ही मिक्सिंग करवा दी थी उस ग्रोवर ने। तो अब लेकिन ये है कि हर बारी जब भी पहले अब यहाँ पे आने लगे प्लेटफॉर्म पे यहाँ से वहाँ, बल्कि मेरा प्लेटफॉर्म भी टूट गया काफ़ी इस चीज़ों से वजह से, गीलेपन से इधर उधर, लेकिन बेटर है उससे तो कि इसको अच्छे से मिक्स करा जाए, बिल्कुल अच्छे से मिक्स। ये आप ध्यान रखना, जो भी कंपोस्ट बना रहा है या बनाने वाला है इसको बहुत अच्छा जो है आपको मिक्सिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं पर भी आपको लगे कि कोई सूखा पैच आ रहा है तो उसको एक आदमी बिल्कुल 24 घंटे इसको फिर भी मिक्स करता रहे। एक उधर भी लगी हुई है लेबर, उधर जहाँ से उठा रहे हैं एक वहाँ पर भी वाटरिंग कर रही है, एक यहाँ पर भी, क्योंकि इसमें कम से कम 75% जो है आपका मॉइस्चर होना चाहिए जब आपका कंपोस्ट तैयार हो रहा है। कंपोस्ट तैयार होने के बाद जो है 60 से 65 के बीच में रहना चाहिए मेरा, बल्कि 60 से कम आ जाता है कई बार, 58-59 भी रहा है जो मॉइस्चर लेवल है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, बहुत अच्छा कंपोस्ट रहा है। थोड़ा मेरा मॉइस्चर जो लेवल है वो थोड़ा सा कम रहता है जो, लेकिन ये है कि हम इसका लालच नहीं करते कि इसमें मॉइस्चर होना चाहिए, वेट बढ़ जाए और हमें ये किसी को देना है। मॉइस्चर थोड़ा सा कम रहा है लेकिन मॉइस्चर से कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। स्पॉन बहुत जल्दी रन करता है, 10 दिन में ही बैग केसिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। करनी तो जब आपका मन करे तब कर लो, 10 दिन में, 12 दिन में, 13 दिन में, 14 दिन में, लेबर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, आपके कम्फर्ट के हिसाब से, लेकिन 12 दिन में तैयार हो जाते हैं सभी के बैग जो है उसके लिए, मिक्सिंग के लिए। बाकी फिर भी अगर किसी को कोई मतलब सजेशन देना है या किसी के पास कोई चीज़ है जो बेटर है तो शेयर कर लेनी चाहिए, आप कुछ बता सकते हैं। और लेकिन फिर भी जो कंपोस्ट बना रहे हैं उनको मैं यही सजेशन दूंगी कि आप अपना मिक्सिंग पे थोड़ा और ध्यान दें। मिक्सिंग पे जो है उस टाइम आप लालच ना करें, चाहे पूरे दिन के लिए, और आपका JCB हो या जो भी आपका खुद का व्हीकल है, तो आप पूरा दिन जो है अच्छे से मिक्सिंग करो उसमें। मिक्सिंग जितनी भी अच्छी होगी, कंटेंट उतने अच्छे जो हैं, जो होमोजीनियसली और इक्वली पूरा डिस्ट्रीब्यूट होंगे आपके कंपोस्ट में, और कंपोस्ट फिर अच्छा रहेगा। एक ही जगह पर ज़्यादा मिक्सिंग हो जाएगी, एक ही जगह पर ज़्यादा मटेरियल होगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो जगह बेकार है, बाकी जगह में मटेरियल है नहीं, तो आप इसका ध्यान रखिएगा बिल्कुल पूरा अच्छा सा मिक्सिंग का ध्यान रखिए कंपोस्ट में। बाकी तो फिर बंकर और टनल के टेम्परेचर का आपने ध्यान रखना है, फिर तो मटेरियल मिक्स हो ही जाता है, फिर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसका ज़रूर ध्यान रखना है आपने। थैंक यू ऑल, थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। भगवान करे कि जो भी काम अभी शुरू कर रहे हैं या करने वाले या कर चुके हैं सभी का बहुत ही बहुत फ़ायदा हो। मशरूम में बहुत बहुत वास्ट जो है अभी इसमें एक्सप्लोरेशन की ज़रूरत है, अभी कुछ भी स्टैंड नहीं कर रहे हैं। हम इंडिया में अगर हम बात करें तो 1-2% जो है हम वर्ल्ड का इतना ही कुछ अच्छे से दे पा रहे हैं बटन मशरूम, तो अभी इसमें बहुत बहुत कैपेसिटी है। तो ऑल्दो बहुत लगता है कई बार कि हर कोई मशरूम का ही काम कर रहा है, पर ऐसा है नहीं। तो अभी आप इसको भी एक्सप्लोर करोगे, इसकी डिमांड और जो है इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ने लग रही है, आप भी अपना ट्राई करो, कहीं पर इंटरनेशनल मार्केट में कोई जुगाड़ हो जाए, किसी के साथ जुड़ जाओ, या 5-10 जो बंदे हैं वो जुड़ के कहीं बाहर पे कुछ एक्सपोर्ट का सोच सकते हैं। क्योंकि सारे पढ़े लिखे बच्चे जो हैं, कितने मेरे पास आते हैं जो बीटेक करके या MBA करके या जॉब में हैं और वो ये काम शुरू करना चाहते हैं,
कितने लोग विजिट करते हैं फार्म को, तो वो देखते हैं, तो वो पूछते हैं, तो अच्छा लगता है कि आप एजुकेशन के साथ साथ जो है कि एग्रीकल्चर में भी जाना चाहते हो, उन जॉब के साथ आप भी जाना चाहते हो। हमने भी, मैंने भी और सर ने भी जॉब के साथ इस फील्ड को चुना, तो ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगता है, स्ट्रगल तो हर चीज़ में होता है, लेकिन आप जो है सक्सेसफुल हो जाओगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और कई बारी जो हैं चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती, जैसे हम प्लान करते हैं कि भी मशरूम का काम शुरू किया था और पहली साइकिल में 10 लाख बचाने का सोचा था और नहीं बचे, वो तो कभी भी नहीं बचते हैं ऐसे 10 लाख। लेकिन ये है कि एक सिस्टम मैनेज हो जाता है, चल जाता है, 2-3 साल लगेंगे, फिर धीरे धीरे आपके पैसे कहीं ना कहीं से जो है चीज़ें आप सीख जाओगे ना। इसमें चीज़ें सीखनी है, जहाँ पैसा कम लग रहा है फिर आप वो पॉइंट देखोगे कि कहाँ बचत हो रही है, उस बचत के हिसाब से फिर आपके पैसे बचने लगेंगे। शुरू में तो आपको लगाने पड़ेंगे, उसके बाद फिर आप जो धीरे धीरे आपको सिस्टम समझ में आएगा, आप हर जगह से पैसे जो है आपको तरीका आ जाएगा कि कहाँ कम पैसे लगने चाहिए, और वही बचत है, फिर आपकी अच्छी बचत हो जाएगी। और नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी एक ही साइकिल में जो है, इसमें बहुत खर्चा है। आप कंपोस्ट अगर ख़रीद रहे हो, फिर उसके बाद जो आपका पैकिंग मटेरियल है, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपके लेबर के चार्जेस हैं, आपकी सैलरी वेजेस हैं, आपका अपना इनपुट अगर आप नहीं भी काउंट कर रहे हो, आप अपनी जो मेहनत है उसके बाद भी, मतलब बहुत कम है इसमें अगर हम सोचें तो बचने के लिए। लेकिन फिर भी ये है कि धीरे धीरे 2-4 साइकिल के बाद और 1-2 साल के बाद तो आपको काफ़ी नॉलेज हो जाती है, तो चीज़ें बचने लग जाती हैं, फिर आपको तरीका समझ में आ जाता है कि कहाँ पैसे हम बचा सकते हैं किस चीज़ में, और वो फिर धीरे धीरे वही आपको एट द टाइम जो है पैसे ऐड होने लग जाएंगे और दिखना शुरू हो जाएंगे। लेकिन पहले जो भी जिस भी फील्ड में, अगर वो ग्रोइंग रूम जिसके पास है, तो कोशिश करो 1-2 साल आप अपने ग्रोइंग रूम को ही थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, स्टेबल करो, बेटर करो। अगर आपके पास कैपिटल है भी तो उसे थोड़ा सेव करके रखो, उसके बाद आप किसी और चीज़ में जाना। और अगर आपके पास कंपोस्ट यूनिट है भी तो थोड़ा कंपोस्ट को ही और उसमें थोड़ा सा अर्निंग कर लो ताकि पैसा दिखे, फिर आप अपने ग्रोइंग रूम लगाओ या फिर किसी और फील्ड में जाओ। क्योंकि एकदम से ही हर फील्ड में घुसने से फिर दिक्कत हो जाती है, सारी चीज़ें संभालनी, सारी चीज़ों की एक्सपर्टाइज होनी, और एक भी चीज़ में अगर पैसा लगाया और वो चीज़ नहीं चली तो फिर दिक्कत हो जाती है। जैसे कई बार कोई आते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमारे पास रूम तो है, अभी कंपोस्ट यूनिट लगानी है, बस 1-2 महीने में कंपोस्ट यूनिट लगानी कोई अच्छी बात नहीं है, हमारा चल गया। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि भाई आप लगाते ही आपका जो है सिस्टम वो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो टचवुड अगर कर रहे हो तो अच्छा है, चल जाना चाहिए। लेकिन फिर भी है कि नए साल में आपको ये रेजोल्यूशन लेना चाहिए कि जो भी नए भाई वगैरह कुछ भी अगर कोई काम शुरू कर रहा है तो उनको हम जो है जेन्युइन जानकारी दें, उनको उल्लू भी ना बनाएं कि इसमें लाखों की कमाई है अपने किसी फ़ायदे के लिए, ना उनको डराएं कि भाई इसमें तो बहुत ही नुकसान है, ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी के लिए चीज़ फ़ायदे के लिए नहीं है और हर किसी के लिए नुकसान की नहीं है, तो बेटर ये है कि आप जेन्युइन जो उनको जानकारी देनी चाहिए, उसके बाद फिर उनकी किस्मत है या उनकी मेहनत है कि वो कहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो अभी कोई भी आता है तो उसको ये कह देंगे कि ये तो बेकार काम है, इसको मत लगाओ, इतना कंपटीशन है, पिट चुका है। अगर उसने लगाना है तो लगाएगा ही, और कल को 1 साल के बाद वो आपको कहेगा कि भाई ये तो बहुत ही गलत हुआ। तो बेटर यही है कि आप अच्छी सही जानकारी दो जो कि जेन्युइन होती है, फिर अगले की किस्मत है, अगले की मेहनत है। लेकिन उनको दो जेन्युइन जानकारी कि भाई इसमें देखो खर्चा भी है और बचत जब होती है, अच्छा प्राइस मिल जाता है तो बचत भी हो जाती है, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन बिल्कुल ही ऐसे नहीं कि YouTube देख के ही काम शुरू कर लो और उसके बाद फिर कहो कि मुझे तो कुछ आता नहीं। और ये है, हमें भी दिक्कत आई थी, इतना कुछ पढ़ने और लिखने के बाद भी दिक्कत आती है, तो ऐसी बात नहीं है। तो कोशिश आप यही करें कि एकदम से ना कूदें और बड़े बजट के साथ ना जाएं, कुछ रनिंग कैपिटल भी आपको रखनी चाहिए, इसमें बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी और सर की तो सैलरी है, हम यही सोच रहे थे कि अगर हम सैलरीड ना पर्सन ना होते तो शायद नहीं सर्वाइव कर पाते इस बिज़नेस में, सैलरी है इसलिए सर्वाइव कर गए, क्योंकि और कुछ नहीं है, सैलरी भी यहीं लगती है हमारी 2-2.5 साल से, और ये काम तो मतलब चल ही रहा है। इससे जितना भी कुछ बचत होती है वो भी इसी में लगा रहे हैं, अभी तो हम इसी में लगा रहे हैं, कंपोस्ट यूनिट बनाई, इसमें लग गए, पहले ग्रोइंग रूम थे, अब 1 या 2 ग्रोइंग रूम और बनाने की सोच रहे हैं ताकि वो एक कॉन्टीन्यूटी रहे, लेबर को भी आसानी रहे, हमें भी आसानी रहे। बहुत मुश्किल हो जाती है, अब लेबर फिर पकड़नी पड़ेगी जब कटिंग आएगी, मतलब वो सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं एक नाइट वेयर, एक बहुत ही बुरे सपने की तरह है कि लेबर कहाँ से लेके आओगे आप, हर बारी इतनी 20-30 लेडीज़ नहीं मिलती हैं। तो आप थोड़ा सोच के ही ये काम करें, और जो भी 2 कमरे लगाने की सोच रहे हैं उनको यही सजेशन दूंगी, 2 ना जाएं। आप पहले अभी सोचो, कम से कम 4 कमरे आपके पास होने चाहिए, तब आपका जो एक सिस्टम जो है वो तैयार होगा। और 2 कमरों में काफ़ी दिक्कत हो जाती है, सर्वाइव करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है आपको। ये यहाँ मेरे कुछ पौधे लगे हुए हैं, ये देखिए बेर जो हैं, ये कोलकाता से जो पेड़ हमने मंगवाए थे, एप्पल बेरी ने बोलते हैं, कितने ज़बरदस्त हैं ये देखिए,
बढ़िया बढ़िया बेर आए हुए हैं, वहाँ घिया लगी हुई है सारी, बहुत ही अच्छी जो है आपकी बारी, तो खूब सबने भर भर के घिया गए थे, कितना बढ़िया बेर लगा हुआ है। देखिए फार्म पे थोड़ा सा टाइम मिले जब ये काम भी करते हैं, ये पौधे लगे हुए हैं सारे, चल गए अब लगवाए थे। तो आप लोग जो हैं जो काम शुरू करना चाहते हैं भगवान का नाम लेके शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी हैं इस फील्ड में, ऐसी बात नहीं है कि अच्छी जानकारी, जेन्युइन जानकारी देने वाले भी काफ़ी लोग हैं, तो आप उनसे जुड़ें, उनके साथ जो है मिलके काम करें। और इतना कोई भी आदमी गया गुजरा नहीं है कि किसी का नुकसान करके फिर वो खुश होगा, कोई हर टाइम नहीं होता कई बार किसी को हर चीज़ बताने का, लेकिन फिर भी कोशिश तो यही रहती है कि आपका जो भी अगर कुछ हो रहा है तो भी अपनी तरफ से आपका जो नुकसान है उसको कोशिश ही करें। अब मेरे से कई बार लोग पूछते हैं मुझे नहीं आती, मैं कौन सा एक्सपर्ट हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश ये किया देखिए, लेकिन फिर भी कोशिश यही रहती है, नहीं आता तो किसी से पूछ के या पढ़ के बता देती हूँ अगर नहीं आ रहा है तो, और नहीं आता तो बिल्कुल बताने की ही वो कोशिश करते हैं कि बताएं ही ना, बेटर यही है कि ना ही बताएं। हैप्पी न्यू ईयर टू वन एंड ऑल, एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड ऑल दी वेंचर्स कमिंग अहेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।